अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुहैब और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल राइट रिव्यू। आज की वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ दिहात्सु मीरा 2012 की मॉडल है, 660 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ है, लेकिन ये गाड़ी जो है ये नॉन कस्टम पेड है, आप लिमिटेड एरिया में इसको चला सकते हैं। सबसे पहले एक्सटीरियर के हवाले से आपको बताना चाहूँ, ब्लैक कलर के अंदर है ये गाड़ी और कोई डेंट और कलर इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। कंप्लीट जेन्यन बम्पर टू बम्पर ये गाड़ी आपको मिलेगी। और टायर की कंडीशन की अगर बात करें तो टायर भी बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, सिंपल रिम्स मिलेंगे। डोर लेचेस पे कोई लॉक और अनलॉक का मतलब सेंसर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, या बटन के थ्रू आप इसके डोर्स को लॉक और अनलॉक नहीं कर सकते, सिंपल आप की से इसके डोर्स को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके इंटीरियर के हवाले से, इंटीरियर आपको बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर मिलेगी जिस तरह एक्सटीरियर आपको मिल रहा है। सबसे पहले आप चेक करें इस गाड़ी की डोर सिल्स कंप्लीट जो है अपने कलर में मिलेंगे, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, कोई डेंट और कलर जो है ओवरऑल गाड़ी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन नॉन कस्टम पे है ये बात आपने याद रखनी है। अब पावर स्टीयरिंग जो है आपको विदाउट मल्टीमीटर सिस्टम मिलेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, पुश स्टार्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी के अंदर, और की स्टार्ट ऑप्शन जो है अवेलेबल है। बिल्कुल साफ इंजन और बैटरी के हालात आप देख सकते हैं, न्यू फ्रेश बैटरी जो है इसके अंदर मिलेगा और इंजन की कंडीशन भी बहुत बेस्ट है। चारों डोर्स पे आपको ऑडियो सिस्टम मिलेंगे, पावर विंडोज़ के साथ है, और इंटीरियर जो है आपको दो कलर्स के साथ मिलेंगे, ब्लैक और ग्रे कलर के साथ। फैब्रिक की सीट्स मिलेंगे, मैनुअल सीट्स है ओवरऑल। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे दिहात्सु मीरा 2012 की मॉडल है, 660 सीसी इंजन के साथ है, और ये गाड़ी जो है नॉन कस्टम पेड है, फॉर सेल अवेलेबल है 3 स्टार मोटर शोरूम में। एग्जैक्ट लोकेशन जो है इसका गोकदरा सवार। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें या खुद शोरूम विजिट करें, आपको कंप्लीट डिटेल इस गाड़ी के हवाले से प्रोवाइड किया जाएगा। डिटेल रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम इसका वॉक अराउंड करेंगे, जल्दी से आपको इसका क्विक रिव्यू देंगे, फिर डिटेल से इस गाड़ी को एक्सप्लोर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप दरवाजे का साउंड चेक करें तो मैं बंद कर देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। इंटीरियर आप चेक करें इस गाड़ी का, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, लेकिन गाड़ी नॉन कस्टम पेड है, ये बात आपने याद रखनी है। लिमिटेड एरिया में इसको आप चला सकते हैं। ये रही इस गाड़ी की रियर साइड, और बैक साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैक कैमरे का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, ब्लैक कलर के अंदर है, हाई माउंटेड लैंप्स। और बूट साइड आपको दिखाते चलो, तो ये आप चेक करें, 5 सीटर गाड़ी है, फैमिली कार जो कि बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल रिव्यू, यहाँ से फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे। लो बीम और हाई बीम आपको एक ही हेडलैम्प्स में मिलेंगे, साथ में इंडिकेटर का ऑप्शन, यहाँ पे मीरा का ब्रांडिंग और ग्रिल पे आपको क्रोम मिलेगा, और हार्ड प्लास्टिक के अंदर इसका ग्रिल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल में एंटीना का ऑप्शन और फ्रंट सेंसर ये वगैरह मीरा में आपको नहीं मिलेंगे। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलेंगे विद इंडिकेटर ऑप्शन, और टायर कंडीशन आप देख सकते हैं, सिंपल रिम्स आपको मिलेंगे, टायर की कंडीशन आप चेक करें। फ्रंट प्रोफाइल से अगर देखा जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी शेप में है, फैमिली के लिए ये बहुत अच्छी गाड़ी है और छोटी गाड़ी है, लेकिन अंदर से काफ़ी स्पेस इसके अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे डोर लेजेज आपको क्रोम में मिलेंगे, और सेंसर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ की का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर से, यहाँ पे पावर विंडोज़ मिलेंगे और ऑडियो सिस्टम, और इसके अलावा हार्ड प्लास्टिक इसके डोर्स पे आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। की स्टार्ट ऑप्शन के साथ है, कुछ स्टार्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब ये गाड़ी जो है ये आपको फुल ऑप्शन के साथ नहीं मिलेगी, फुल ऑप्शन नहीं है ये, इसलिए इस गाड़ी का डिमांड भी बहुत अच्छा किया जा रहा है, वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। मैनुअल सीट्स मिलेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे फैब्रिक की सीट्स प्रोवाइड किए गए हैं। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो आपको विदाउट मल्टीमीडिया सिस्टम इसका स्टीयरिंग मिलेगा, सिंपल यहाँ पर मीरा की ब्रांडिंग और एयरबैग का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इको मोड और फ्रैक्शनल मोड जो है, ये दोनों मोड्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे, और यहाँ भी आप अपने हेडलैम्प्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन जो है। ब्लैक डैशबोर्ड मिलेगा, और इसके अलावा स्क्रीन अवेलेबल नहीं होगा, सिंपल ऑडियो सिस्टम आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी और हीटर एडजस्टमेंट बटन्स।
दो अदद कप होल्डर मिलेंगे, पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इंटीरियर जो है आपको दो कलर कम्बिनेशन के साथ मिलेगी, ब्लैक कलर और ये ग्रे कलर के साथ। डैशबोर्ड स्पेस आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा। और सन शेड की अगर बात करें तो मिरर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे भी आपको मिरर का ऑप्शन मिल रहा है। ऑडियो सिस्टम आपको चारों डोर्स पे मिलेंगे। और फीचर्स के हवाले से अगर बताता चलूँ इंटीरियर में, तो इको मोड अवेलेबल है, फ्रैक्शनल मोड भी अवेलेबल है, और इसके अलावा मज़ीद जो है आपको हेडलैम्प एडजस्टमेंट बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। सिंपल की स्टार्ट के साथ है, ईटर और एसी जो है प्रॉपर वर्केबल होगा। एंड्रॉयड स्क्रीन भी नहीं मिलेगा, सिंपल ऑडियो सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। गाड़ी की कंडीशन बहुत बेस्ट है। और डिमांड के हवाले से अगर बताते चलूँ तो शोरूम वाले की तरफ से इस गाड़ी का डिमांड किया जा रहा है 9.5 लाख रुपये। 2012 की मॉडल है, 660 cc पेट्रोल इंजन के साथ है। डिमांड बजट फ्रेंडली है, 3 स्टार मोटर शोरूम में फॉर सेल अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या आप शोरूम विज़िट करें। इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो गोकदरा सवात में, ये गाड़ी 3 स्टार मोटर शोरूम में अवेलेबल है। तो ये रही इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। अब चलते हैं इस गाड़ी के रेयर साइड पे और आपको इस गाड़ी का रेयर साइड दिखाएंगे। तो आपको इस गाड़ी का रेयर साइड दिखाता चलूँ। रेयर साइड आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप चेक करें इस गाड़ी की डोर सील्स कम्प्लीट जो है अपने कलर में मिलेंगे। ओवरऑल गाड़ी में आपको फैब्रिक की सीट्स मिल रहे हैं, और ऑडियो सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओवरऑल आपको ऑडियो सिस्टम, पावर विंडोज़ मिलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये प्लास्टिक जो है ये चारों डोर्स पे आपको मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक। फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं इस गाड़ी का। गाड़ी की कंडीशन बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। गाड़ी में ओवरऑल कोई डेंट और रीपेंटिंग अवेलेबल नहीं होगा, ये शोरूम वाले की तरफ से आपको गारंटी दी जाएगी। 9.5 लाख रुपए इस गाड़ी का डिमांड किया जा रहा है, बजट फ्रेंडली है, आस्किंग प्राइस है, ये फाइनल प्राइस नहीं है, इसमें कमी पॉसिबल है। उम्मीद है ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। ये रही इस गाड़ी की कम्प्लीट इंटीरियर, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। आप चलते हैं इस गाड़ी के इंजन सस्पेंशन पे, और बूट साइड ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में। तो अब आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का इंजन सस्पेंशन की, इसकी इंजन किस हालात में है। यहाँ से मैनुअली ओपन करना होगा, यहाँ से आप इसको पुल करेंगे तो इंजन बॉनट जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको इसका इंजन सस्पेंशन दिखाते चलूँ। अगर इंजन सस्पेंशन के हवाले से आपको बताता चलूँ, 660 cc पेट्रोल इंजन मिलेगा, और बॉनट जो है आपको मैनुअल सिस्टम के साथ मिलेगा। इंजन सस्पेंशन आप देख सकते हैं कम्प्लीट अपने कलर के अंदर मिलेगा, बिल्कुल साफ इंजन। और बैटरी के हालात आप देख सकते हैं, न्यू फ्रेश बैटरी जो है इसके अंदर मिलेगा, और इंजन की कंडीशन भी बहुत बेस्ट है आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिव्यू, दिहात्सु मीरा 2012 की मॉडल और 660 cc पेट्रोल इंजन के साथ। 9.5 लाख रुपए इस गाड़ी का डिमांड किया जा रहा है। उम्मीद है गाड़ी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको कंप्लीट डिटेल इस गाड़ी के हवाले से प्रोवाइड किया जाएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।